राधे राधे मित्रों, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है सफला एकादशी और इस साल सफला एकादशी पड़ रही है 22 दिसंबर 2019 को, यानी कि साल की आखिरी एकादशी होगी ये। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने सभी दुखों से मुक्ति पा लेता है और सुखों को भोगकर उसे मोक्ष पद की भी प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति होती है वही फल सफला एकादशी का व्रत करने से साधक को मिलती है। दोस्तों, इस बार एकादशी की जो तिथि है वो 21 दिसंबर को शाम को 5:15 से शुरू हो जाएगी और 22 तारीख को यानी कि 22 दिसंबर 2019 को दोपहर के 3:22 तक एकादशी तिथि होगी। एकादशी के पारण का जो समय है वो है 23 दिसंबर 2019 को सुबह के 7:10 से सुबह के 9:14 तक का। तो पारण के समय का आप जरूर ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं सफला एकादशी की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे बतलाइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता, अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी के बारे में तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला है और इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए, जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय है। अब मैं इसकी विधि कहता हूँ, सुनो। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के पश्चात रात्रि जागरण जरूर करें और एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और दूसरा कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफलता एकादशी का व्रत करने से मिलती है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। कथा के अनुसार प्राचीन काल में चंपावती नगर में महिष्मान नाम का एक राजा हुआ करता था, जिसके 4 पुत्र थे। इन सभी में सबसे बड़े बेटे का नाम लुम्पक था। वह पापी आचरणों से घिरा रहता था। परस्त्री, वेश्यागमन और दूसरे कार्य करते हुए वह अपने पिता के धन को नष्ट कर रहा था। साथ ही वह हमेशा ब्राह्मण, वैष्णव और देवताओं की निंदा करता रहता था। राजा को जब अपने पुत्र की इन आदतों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। ऐसे में वह विचार करने लगा कि अब कहाँ जाए। आखिरकार उसने चोरी करने का फैसला लिया। दिन में वो वन में रहता था और रात को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी करता था। धीरे धीरे करके सारी नगरी चोरी की घटनाओं से भयभीत रहने लगी। कई बार नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते थे लेकिन राजा के भय से छोड़ देते थे। उसी जंगल में एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान के समान पूजन करते थे। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहा करता था। कुछ दिनों बाद पौष महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण ठंड के चलते पूरी रात सो न सका। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी बेहोशी दूर हुई। बेहोशी से जगने पर उसे भूख का एहसास हुआ और वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में समर्थ नहीं था, इसीलिए पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया।
उस समय तक सूर्य देवता अस्त हो चुके थे, वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि भगवान अब आपको ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात भी दुख के कारण लुम्पक को नींद नहीं आई। अनजाने में उसके द्वारा किए गए इस उपवास और जागरण से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह एक अति सुंदर घोड़ा कई सुंदर सी वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं, अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त करो। ये सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कह करके अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने भी इससे प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के लिए चल दिए। इसके बाद लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसका सारा कुटुम्ब भगवान नारायण का भक्त हो गया और वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। तो ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। नमो नारायण।